हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग फ़ोन है तो सैमसंग फ़ोन की सेटिंग्स पे आकर जो हमारे फ़ोन के वीडियोस एंड फोटोज़ है उसको हम कैसे अपने फ़ोन में हाइड कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही हमारे फ़ोन के आइकन इस तरीके से बनाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा था, हमें क्लिक कर देना है। हमारे पास फाइल ऑप्शन आ जाता है तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में ये फाइल ऐप्स आ जाता है, यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसको कंटिन्यू कर दें तो जो भी आपकी फाइल्स है हमारे फ़ोन में शो हो जाएंगी। तो आप जो भी फाइल्स वगैरह को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। पहले आप सेलेक्ट कर लेना है इसको, फिर आपको यहाँ से इस पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे आप सेलेक्ट करके आपको इस पर क्लिक करना है मूव टू सेव फोल्डर, जिसका हम पैटर्न बना लेंगे। और यहाँ से राइट क्लिक करके जो हमारा फाइल है इस फाइल में शो मतलब हाइड हो जाएंगी, हाइड हो चुकी हैं। व्यू करके आप चेक कर सकते हैं इसको, जो हमारे फ़ोन में फाइल्स ऐप्स हैं जो भी हमारे फ़ोन में हाइड हो चुके हैं। तो हमारे फ़ोन के फाइल ऑप्शन पर आकर वीडियोस एंड फोटोज़ को हाइड कर सकते हैं अपने सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक